ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ MLA ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ MLA ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। इस मौके ते पंजाब भाजपा के जनरल सकत्तर सुभाष शर्मा ने अविनाश चंद्र का स्वागत किया ते दस्या कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी नू जलंधर फेरी ते आ रहे ने। उत्थे इस मौके अविनाश चंद्र ने अपने आप नू दलित नेता दसदियां होया कहा कि 5 साल बाद ओह राजनीति विच वापसी कर रहे ने। 5 साल पहला उन्होंने अकाली दल भाजपा गठजोड़ नू छड्डिया सी। भारतीय जनता पार्टी के परिवार च वाधा होया है और पंजाब दे बहुत बड़े दिग्गज नेता विशेष रूप से दलित भाईचारे के जो बहुत बड़े नेता ने जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत वड्डा समा पंजाब के दलित भाईचारे के उत्थान लई विकास लई लगाया और बहुत मजबूत आधार है जिन्हों का वो अज ऐसे श्री अविनाश चंद्र जी सबका MLA सबका CPS अज भारतीय जनता पार्टी शामिल होए ने। मैं उन्होंने इस मौके पर जी आया आखदा और मैनू पूरा विश्वास है कि अविनाश जी के आन नाल पार्टी पूरे पंजाब से मजबूत होएगी लेकिन विशेष रूप में जोड़ा दुआबा खेत्र है ये पार्टी नू बहुत मजबूती मिलेगी और पार्टी अगे ही बहुत तेजी दुआबे बढ़ रही थी। इन्हों के आने तो बाद मुझे लगता है कि दुआबे हुण स्वीप होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल के जो गठजोड़ है वो स्वीप करेगा। सो मैं अज इस मौके पर उन्होंने बहुत खुशामदीद कहना है जी आया आखदा और पार्टी जनों का स्वागत करता है। नरेंद्र मोदी जी ने जिवें कल वर्चुअल रैली सी उदे च उन्होंने ये गल कही सी कि मैं छेती पंजाब आ रहा अपने पंजाब के भैन भरावों मिलन लई। सो बड़ी खुशी की गल है कि नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम तय होया है 14 फरवरी नू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब दियां चोणां दी जिहड़ी मुहिम है अपनी पंजाब के चोन प्रचार की वो जलंधर तो शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने जलंधर नू इसलिए चुनिया है। सो मोदी साहब के आन के नाल तुसीं देखना पूरी जिहड़ी लहर चल रही है पार्टी की वो होर तेज़ होएगी। जिहड़ी हवा चल रही है वह हनेरी दे रूप च आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जगह का फाइनल अज प्रशासन की नाल मीटिंग है उसके बाद फाइनल करांगे। देखो जी BJP ज्वाइन करने का जिहड़ा मकसद आ वो ये हैगा कि इन्हां दे जिहड़ा सेंटर दे विच मोदी साहब दीआं जिहड़ियां नीतियां हैगीआं वो अच्छे तरीके दे नाल बैठ के Shekhawat साहब दे नाल डिटेल दे विच मेरी गल हुई क्योंकि असी उन्हां लोकां नूं रिप्रजेंट करदे आ जिहड़े हैव नॉट्स आ जिन्हां दे कोल कुछ नहीं हैगा ते इन्हां नाल जदों गलबात चली आ कि पंजाब दे विच राज दूजियां पार्टियां दा हो रहा वोटां साडियां लै के ते सानूं किसे भी साडे प्रकार दा फायदा नहीं होया साडी कम्यूनिटी नूं सगों कोई स्कैंडल होए बहुत वड्डे वड्डे स्कैंडल होए तो असी इन्हां नाल बैठ के तसल्ली नाल स्टेट लीडरशिप है साडी ते अपने Shekhawat जी आ उन्होंने सानू पूरा विश्वास दवाया कि जदों तुसी जो चाहते हैं मैं उन्होंने ये कहा कि साडा दलित एजेंडा आ दलितों के बैटरमेंट वास्ते सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वास्ते इकनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन वास्ते तुहाडी सानू लोड़ आ। असी चाहते हैं भी जे तुहाडे नाल असी लगीए तां कम से कम अपने लोगों अपने समाज की सेवा कर सकीए जिहड़े उन्होंने अपग्रेड कर सकीए उन्होंने खुश कर सकीए। अविनाश जी जिदा हुण दलित की गल की राजनीति की दुआबा इलाके दलित राजनीति बहुत हावी है तो इस विचाले तुसीं अपने आप नूं कित्थे पोजिशनिंग करदे हो दलित राजनीति दे विच? मैं तो जी सेवादार हाँ अपने लोगों का एक रिप्रजेंटेटिव मैं छोटा जिहा बंदा मैं कोई बहुत वड्डा लीडर नहीं हैगा एक छोटा जिहा बंदा मैं अपने मसले जानदा अपने लोगों के और उन्होंने उभारदा रहिंदा हमेशा। और सब तो वड्डी गल Shekhawat जी ने जिहड़ी मेरे नाल गल की बैठ के डिटेल च उन्होंने कहा कि जो भी तुसीं कहिंदे आ एक एजेंडा जिहड़ा साडा है जिहदे नाल असीं अपने लोकां नूं उपर चुकना चाहुंदे आं इकनोमिकली भी ते सोशली भी वो असीं लागू करांगे तुहाडे नाल। काफी लंबा समां अकाली दल दे विच रहे हो की कारण रहा कि हुण जिहड़ा छड्डना पिया? ओ जी मैं तां 5 साल पहलों रिजाइन करता उन्होंने छड्ड दित्ता जी और गांह कोई पार्टी ज्वाइन नहीं सी कीती तो मैं अपना सोशल वर्क करदा सी अपने समाज के लोगों के रहना उन्होंने नाल गलबात जो उन्होंने मसले वो हल करते तो हूँ मैनू ये रास्ता लभा कि इन्ह के कोल बहुत कुछ आ रिजाइन कुछ आपस कई बार गलबात हो जाती जी जिदा हूँ मैं तुम दसदा मैं कोई गल्ला उन्होंने कही साडे लोगों वास्ते करो जो नहीं करते तो फिर आप उसे रह के की करना ते सर गल कीती बाबा अंबेडकर हाँ मैं ये तुम दसना चाहना जी कि जिहड़ा मेरा परिवार आ ये जदों बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर पंजाब सिर्फ एक बार ही आए 1951 उस वेले साडे घर आए
दो दिन साढ़े घर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे और मेरे दादा जी 1936-37 एम एल ए सी बिफोर पार्टीशन तो उन्होंने बहुत सहयोगी सी साथी सी उन्होंने 20-25 साल अंबेडकर साहब ना काम किया पंजाब के अंदर पंजाब शड्यूल कास्ट फैडरेशन बनाई तो सारी मूवमेंट जो दलतों की कोई मूवमेंट चली शड्यूल कास्ट की वो साढ़े घर तो चली। जलंधर तो चिराग शर्मा की रिपोर्ट वधेरे खबरों लिए तुसी देखते रहो अजीत वैब टीवी। हुण मैनू अपने घर वाले तो पैसे मंगण की लोड़ नहीं पैनी ते चिंती की फीस वह भी मैं आप ही भर देनी है ते बेबे दियां दवाइयां वह भी मैं आप ही लियाउणियां ने। मेरा वीर सुखबीर साडा अपना सुखबीर बादल आउण वाला है वह देऊगा मैनू 24,000 रुपए हर साल वह भी मेरे अपने खाते विच। मेरी वोट ओनू जिहड़ा औरतां दा मोड़े मान सन्मान। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।